हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे चना दाल फ्राई। बिल्कुल इजी रेसिपी में बहुत ही टेस्टी चना दाल फ्राई, जो कि आप प्लेन चावल, रोटी, चपाती या तो जीरा राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। चलिए फिर झटपट रेसिपी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 1.5 कप दाल को रात भर के लिए भिगो कर रखा था। अगर आपको रात भर के लिए भिगोने का टाइम ना मिले या याद ना रहे तो आप ऐसा कीजिए, 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखिए। ऐसा दाल सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर सॉफ्ट नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए कुक कर लीजिएगा। तो मैंने कुकर लिया है और कुकर में दाल डाल दिया है मैंने। अभी हम पानी डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दाल डूबे रहे इतना सा पानी डालना ही काफ़ी है। अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नमक बिल्कुल ना डालें, नहीं तो बाद में फिर नमक का हिसाब करने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम ढक्कन लगाकर मीडियम हीट पर 15 से 18 मिनट के लिए कुक करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई बिठाया है, तेल डाल देंगे। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरे, 1/2 टीस्पून सरसों डाल देंगे, 2-3 लाल मिर्च डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च। अच्छे से भून लेंगे, जीरे और सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। जीरे और सरसों का चटकना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी सब कुछ अच्छे से भून चुके हैं। अभी मैं डाल दे रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, स्लाइसेस में काटा है मैंने, आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। और प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे, हल्का ब्राउन होना तक भून लेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का कूट या तो पेस्ट। यहाँ पर 1 टेबल चम्मच भर के लिया है मैंने, कूट कर लिया है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन का जो कच्चा स्वाद होता है, कच्चा जो फ्लेवर होता है, वो चले जाना तक भूनेंगे। देखिए अभी कच्चा स्वाद चला गया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने काट कर रखा है, वही मैंने डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद हमें पाउडर मसाला, नमक सब कुछ डालना है। तो पहले मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। मैंने कुकर में भी नमक डाला था दाल के साथ, तो उसके हिसाब से हमें नमक डालना है। और अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, जल ना जाए, क्योंकि हमें पाउडर मसाला डालना है। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा टाइम मिले। अभी पाउडर मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, इसके साथ डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद के हिसाब से डाल लीजिए, और इसके साथ डालेंगे गरम मसाला। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला लिया है, अच्छे से मिला देंगे। अगर मसाला ड्राई लगे तो और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो मैं भी और थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है क्योंकि टमाटर भी नरम नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए। देखिए दोस्तों, अभी टमाटर नरम हो चुका है और तेल भी रिलीज हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। दूसरी ओर देख लेते हैं कि कुकर में दाल कैसी है। देखिए सीटी निकल गई है, और अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दाल बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई है, और ऐसा ही हमें चाहिए। ज़्यादा मेल्ट हो जाती है तो इतना अच्छा नहीं लगता, मैश हो जाती है बिल्कुल। अभी हम मसालों के अंदर दाल डाल देंगे, इसके पानी के साथ ही डाल देंगे। अगर आपको थोड़ी सी मेल्ट हुई दाल पसंद है तो आप और थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लीजिएगा, मुझे इतना ही अच्छा लगता है। ऐसा साबुत रहे और अच्छे से गली हुई रहे, ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। तो और थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से अगर पानी लगता है तो डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था ताकि जल्दी उबाल आ जाए।
और अभी हमें दाल को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जब तक कि दाल की थिकनेस हमारे मनपसंद की नहीं हो जाती तब तक के लिए कुक कर लेंगे। तो आप भी वैसा ही कीजिए। तो पका लेती हूँ मैं 4-5 मिनट, जो भी हो जितने देर लगता है। यहाँ पर मेरी दाल बिल्कुल गली हुई है लेकिन बिल्कुल भी मैश नहीं हुई है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए चम्मच चला लिया ऐसा करके, ताकि थोड़ी गाढ़ी लगे दिखने में। और 4-5 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा पानी भी सूख चुका है। अभी मेरे लिए ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी, ये देखिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तब और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अभी इतना ही बस करते हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पर डालूँगी 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे धनिया का पाउडर। इस पाउडर से दाल का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। यह कसूरी मेथी भुनी हुई है और हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे। और इसके साथ साथ चाहिए था फ्रेश हरा धनिया, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं स्किप कर रही हूँ मजबूरन। आपके पास होगा तो ज़रूर डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर दाल बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। इसको और गाढ़ा नहीं करना है मुझे, तो अभी मैं हीट बंद कर दूंगी और गर्मा गर्म चना दाल को सर्व कर लूंगी। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और निकालने से पहले एक बार नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैंने भी चेक किया है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अभी चलिए हीट बंद कर देते हैं और चना दाल को सर्व कर लेते हैं। आपने देखा दोस्तों कितनी आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। और देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है, बहुत ही डिलीशियस बनी है दोस्तों। इस चना दाल फ्राई को आप प्लेन चावल, रोटी चपाती, पराठा, जीरा राइस, पुलाव, फ्राइड राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। यह बहुत ही डिलीशियस लगती है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों, और अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।